वाला है, भारत में मेहमानों की कैसे मेहमान नवाजी करते हैं। तो भाई ये हमारा कट चुका है लहसुन प्याज टमाटर और अभी और अच्छे से गल भी गया है पूरा लेग पीस ना खिल। ये हमारा गोश्त लगभग पक ही चुका है और देख। तो भाई अभी हमारा चिकन बनकर रेडी है और तो भाई हमारी मेहमान नवाजी का खाना चालू हो गया। तिबई गांव की मेहमान नवाजी से होते हैं और सबसे पहले तो भाई प्रमोद जी भी आ चुके हैं और हमने इनको बुलाया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज घर पे मेहमानों की दावत का खाना बनने वाला है। भारत में मेहमानों की कैसे मेहमान नवाजी करते हैं तो आपको दिखाएंगे हम क्या बनाते हैं और क्या खिलाते हैं मेहमानों को। तो ये तैयारी चल रही है अपना, टमाटर हरी मिर्चा और लहसुन ये सब काट, ये तो फैटने का ही लग रहा है। तो भाई ये मशीन है, इसमें अपना लहसुन प्याज फेंट देंगे। तो प्याज की कटिंग करके बारीक डालते हैं इस मशीन में। तो भाई ये बटन खुलने से साउंड की आवाज़ है, इससे डर गया। चल कर इसे नीचे। तो भाई ये हमारा कट चुका है लहसुन प्याज टमाटर और अभी तैयारी और कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और अभी हम बताएंगे नहीं क्या बनने वाला है। तो भाई जीरा डाल देते हैं भाई, साबुत मसाला और तेल कर का है भाई, शुद्ध सरसों का पीली तेल का और यही तेल खाना चाहिए भाई। तो भाई ये आवाज़ कर रहा है साउंड, इससे पता चल गया कि हमारा तेल गर्म हो चुका है अच्छे से। तो भाई इसमें भी छोड़ देते हैं सारा मटेरियल। तो भाई ये छोड़ दिया इसको लगभग हम 20-25 मिनट तक अच्छे से मसाले को भूनने के भाई। तो भाई हमारी ग्रेवी तो लगभग तैयार हो गई है और अभी डालते हैं मैं इसमें अपनी सब्जी। और सब्जी है भाई आज की और ये पहले से ही हमने रोस्ट कर दिया है लगभग आधा घंटा, ये देख सकते हैं। अभी दिखा देता हूँ मैं कैसे रोस्ट किया है भाई ये। ये पहले ही बिल्कुल रोस्ट करके अच्छी तरह से भुन गया है और भाई यार निकल गया आराम से, ये देख लो और अच्छे से गल भी गया है पूरा लेग पीस ना खिल चुका है। तो भी हम इसमें इसको ऐड कर देंगे यार। तो भाई ये सारा गोश्त इसमें कूट दिया है हमने मुर्गे का और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देना चाहिए वो इसको भाई सूखा बनाने वाले हैं। ये हमारा गोश्त लगभग पक ही चुका है और देख सकते हैं क्या शानदार तरीके से पका है और जितने भी ऊपर देख रहे हैं सारा रोगन है भाई और खाने वाले को मज़ा आने वाला है। ये देखते हैं आगे वीडियो में मज़ा भी आएगा नहीं, बस अभी इसके ऊपर हमें धनिया की बौछार करनी है। तो भाई अभी हमारा चिकन बनकर रेडी है और अभी तैयारी करते हैं इसको परोसने की। हरा धनिया भी ऊपर से डाल दिया हमने। तो भाई हमारी मेहमान नवाजी का खाना चालू हो गया है। सबसे पहले कुकू क्या खा रहे हो बेटा, क्या खा रहे पता नहीं भाई, लेग पीस खा रही है। और ये चिकन इस तरह बनकर तैयार हो रहा था भाई कढ़ाई में और ये चावल रखे हैं बारीक के, मुझे नहीं पता शायद बासमती होगी। तो सलादे वगैरह भी है और पानी लगा है। तो हमारे यहाँ इस टाइप की मेहमान नवाजी रहती है कोल्ड ड्रिंक और ये लेग पीस खा रहे हैं मेहमान जी भी। तो अभी तो पानी पी रहे हैं। टेस्ट कैसा है जी? बस बढ़िया बढ़िया मस्त है ना। चलो तो भी भाई इंजॉय करा रहे हैं मीट चिकन को और उसके बाद मैं तो रिव्यू नहीं कर पाऊँगा भाई आज, तो मेहमान जी रिव्यू कर रहे हैं भाई। वो भाई तरी तरी बनाई है, तरी मांग रहे हैं, तरी तो हमने बनाई नहीं सूखा है। चल जाएगा ना मैं चाल दो जी।
हमारे यहाँ कुछ इस टाइप के मेहमान नवाजी होती है भाई, गांव की मेहमान नवाजी से होते हैं, तो सबसे पहले उनको कन्ने को जिम्मे जाता है। उसको कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बढ़िया फिर ओरिजिनल चाहिए तो तेल के अंदर ओरिजिनल तरी में। तो भाई प्रमोद जी भी आ चुके हैं और हमने इनको बुलाया था आज, इनकी स्पेशल दावत थी। दावत क्या भाई, कदी कदी फंसे हैं, रोज रोज तो फंसते नहीं, तो दो ट्रिप आए थे मंगलोर में और भाई चलो आ गए। तो आजकल इनका फेवरेट तो बना नहीं पा रहे हम, तो मुर्गा ही मिल रहा है। नमक के अलावा, नमक तो भाई इन्हें बहुत ज़्यादा चाहता है, नमक तो कम है इनके अकॉर्डिंग। बाकी टेस्ट कैसा है? बढ़िया भाई, बहुत प्रमोद का एक ही डायलॉग है, बढ़िया हो रहा है। तो मेहमान जी संतुष्टि ही नहीं है अभी, बढ़िया चलो भाई। ज़्यादातर उत्तराखंड में, नॉर्थ साउथ में हमारे यहाँ पे मेहमानों के लिए नॉन वेज ही ज़्यादा चलता है। ढोलो क्या कर रही तू? हाँ तो भाई खाना खुना खा के फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं मेहमान जी, और साथ में बैठे मोनू, मोनू रिश्ता लेगा इनके लिए लड़की। हाँ भाई लड़की कैसी ढूंढनी मोनू, कैसी लड़की तू? है उसका करवाया था संजना का, क्यों बढ़िया नहीं लगा? क्यों तो भाई अभी वो लोग ऐड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।